यानी कि ये हाजीपुर गाजीपुर का रोड है, आप सीधे सारण छपरा शहर से होते हुए डिविलगंज पार करते हुए और पहुँचते माझी में, हम जिसको राम घाट इसको बोलते हैं, राम घाट पर सीधे अब पहले देखिए दाहिने तरफ दिखाएंगे आपको, माझी है, माझी का पुल है, ये माझी का पुल रेलवे पुल है साइड में, और ये इसका आधा जो पाया है वो पड़ता है बिहार में, आधा है उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद कहते हैं, इधर बोलते हैं आपको सारण छपरा जिला बोलते हैं इधर, यानी कि जो रास्ता अगर आप आएंगे, क्योंकि आने का मकसद ये है आज कि यहाँ पर हम बताएंगे कि अब खुल गया खूबसूरत एक जहाज जो बैठ करके यहाँ से आप अयोध्या तक यात्रा कर सकते हैं, हम आपको घुमाएंगे आज एक यूनिक चीज़ सारण छपरा ज़िले में रामघाट, जो हम माझी के एरिया में माझी ब्लॉक से आगे बढ़ेंगे बाएं तरफ घूमते रामघाट है, हम पहले दिखाना चाहेंगे यही एंट्री गेट है आपका, जो चारों तरफ देख खूबसूरत सरयू नदी है, सरयू नदी की कहानी बताए, ये वही नदी है जहाँ भगवान राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र के साथ गए थे स्वयंवर के लिए जनकपुर, इसी रास्ते से गए थे, एक मेमोरी पौराणिक स्थल पर लिखी, बहुत धार्मिक स्थल पर पहुँचे हम ये, और ये पुल आप देख रहे हैं माझी पुल, इसका कई पाया उत्तर प्रदेश में, कई पाया आपको बिहार प्रदेश में, एक यूनिक नेचुरल जगह जो रेयर केस में मिलेगा, हम पूरा घुमाने का प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। ये देख सकते हैं कि ये पुल की कहानी ये है कि पुल इतने लंबे दिनों का है, लेकिन उसके बगल में अब रेलवे ने भी नया पुल बनाना शुरू किया है, अभी उसका उद्घाटन नहीं है, यहीं एक गढ़ भी प्रसिद्ध है, माझी गढ़ बोलते हैं उसकी कहानी, एक लोग बताते हैं कि राजा के गढ़ था, और यहाँ हिस्टोरिकल चलेंगे तो यहाँ पर अगर मुग़ल के राजा भी यहाँ पर आके मार्केटिंग करके गए हैं, आप इतिहास में देखेंगे, यानी कि जगह का नाम माझी जगह है, प्रखंड बिहार में खड़े हैं अभी हम, आगे ले चलते हैं वही जगह जिसके लिए हम आए हैं, अब जो ये जगह भी अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, अभी ये माझी में जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो बनाया गया है चार तो देख रहे हैं, अभी काफ़ी समय लगेगा, लेकिन यहाँ एक बड़े जहाज की व्यवस्था की गई है, और उसके में आप यहाँ से जिसको बंदरगाह बोला जा सकता है, ये बंदरगाह के रूप में ये ऐसा जगह बिहार में माझी में जो बनाया गया, यहाँ पर आप सफ़र यहाँ खुलेगी स्टेशन वाइज, जैसे यहाँ खुलेगा रेवलगंज डोरीगंज होते हुए भी, फिर वहाँ से सीधा घुमाते हुए बक्सर की तरफ, ऐसे कोई प्लानिंग किया गया कि इसको अयोध्या तरफ ले जाने का प्रोग्राम है, लेकिन अभी वो जहाज़ नहीं उपलब्ध नहीं है, वो बाहर निकला हुआ है, तत्काल हम घाट पर लेके आए हैं, उसके एवज में छोटा सा एक नाव को भी कंस्ट्रक्शन करके बनाया गया है, जो सामने हमारे बगल में है, इस पर कुछ चार्जेज है 4-5 किलोमीटर अगर आप आते हैं, ये एंजॉय कर सकते हैं आप, फैमिली को बैठा करके अंदर सोफा सेट, खाने वाने पीने नाश्ता करने की चीज़ सारी चीज़ें व्यवस्थित की गई, यानी कि जो बिहार में एक सारण छपरा में जो बनाया गया ये व्यवस्था को, इसको माना जाएगा कि काबिले तारीफ, अगर आप सर्च करेंगे तो पहले आज अंग्रेज़ों के समय में एक जहाज़ घाट बंदरगाह हुआ करता था, जो डिविलगंज थाना में जहाज़ घाट पहिया एक जगह है, वहाँ पर आज भी इसका सिंबॉलिक स्थान है, उसी जगह को याद करते हुए इसकी जो व्यवस्था की गई है, यानी कि मूल स्टेशन बनाया गया ये वाला, और बगल में देख रहे हैं कि माझी का खूबसूरत ये जो पुल देख रहे हैं, जो नदी का दो भाग है, ये पोर्शन जो बीच में बालू वाला पोर्शन उधर उत्तर प्रदेश है और इधर बिहार में, यानी दो राज्यों के सीमांकन पे हम खड़े हैं, यानी बिहार में खड़े हैं अभी, और इस तरह से ये भी बाएं तरफ देख रहे हैं जो रोड हुआ है, रोड पर माझी और बलिया का ये जोड़ता हुआ ये पुल है, ये ऐसे खूबसूरत जगह पर रमणीक रियल में ज़िंदगी का मज़ा लेना हो कहीं नहीं जाए, ये गोवा है, ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि आप गोवा या डामंडू कहीं मत जाइए, आपके बिहार के सारण छपरा में यह भी उस तरीके के जो बनावट हो रही है, जैसे मरीन ड्राइव पटना को बना दिया गया, अगर मरीन ड्राइव पटना में अगर आप जाएंगे तो वहाँ लगेगा कि हम बॉम्बे में आ गएंगे, लेकिन उसी का एक रूप अवतरित कर सकते हैं कि माझी में बिहार के तरफ से और केंद्र के सबके मिली जुली की तरह से अगर ये बन जाता है, अभी कुछ समय लगेगा, तो ये होगा खूबसूरत सारण छपरे का ये जगह, जो राज्यों का बिल्कुल बॉर्डर सीमांकन पर, यहाँ एंजॉय करेंगे आप जहाज़ों पे, आप बुक करेंगे यहाँ से उत्तर प्रदेश लेकर कई जगह घूम सकते हैं, हमने कोशिश किया है कि अपने लुक स्मार्ट चैनल के अपने हम
इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको घुमाने का प्रयास किया। अगेन रिपीट, इफ हैव यू द टाइम प्लीज कम इन द सारण छपरा डिस्ट्रिक्ट। ऑलरेडी हियर द छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन, ऑलरेडी द वन ऑन रोड मेन रोड NH रोड हाजीपुर से गाजीपुर जस्ट नियर द माझी। इफ यू द रीच नियर द माझी जस्ट हियर द ऑल द अवेलेबल द फैसिलिटीज टू गिव टू हियर। नाउ इन फ्यूचर यू विल सी द गुड एंड एक्सलेंट। नाउ दिस प्लेस विल कन्वर्ट इन द माझी जहाज घाट कह सकते हैं या इसको आप पर्यटन स्थल के रूप में जो प्रवर्तित किया जा रहा है। ये पता चला कि हाल में इधर कैंपी रूढ़ी प्रसाद जी बा के साथ राजीव प्रताप रूढ़ी जो बीजेपी के सांसद आए थे इसको उद्घाटन करके गए हैं। चलिए शुरुआत हम यहाँ से सीधा नीतीश कुमार जी को, मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम इस नदी के किनारे अगर ऐसे बनावट पर अगर सरकार काम करती है तो निश्चित तौर पर प्राकृतिक सौंदर्य और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर होगा। फिर मिलेंगे आपको लोकेश पाटिल चैनल पर। जय हिंद।